मैं भी शादी करूंगा 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 या अल्लाह तौफीक दे तौफीक दे। हाँ भाई पब्लिक, मजे आ रहे हैं? अबे एक सेकंड, आज किस पे वीडियो बना रहे हैं? अबे वैलेंटाइंस डे। ओ मतलब वो आशिकों का दिन जो पूरे साल तो मजे नहीं ले पाते, तो इनके हक में एक दिन बनाया गया है जो शादी के बाद बनाए तो कबूल है और शादी से पहले बनाए तो बेटा आपकी भूल है। यहाँ स्कूल में हर वैलेंटाइंस को नेशनल गार्ड की सिक्योरिटी होती है कि लाओ भाई सारा सामान जब्त। आधे से ज्यादा बॉयज के तो सुट्टे गायब होते हैं और गर्ल्स की मेकअप किट्स। मतलब यार स्कूल कौन लाता है मेकअप? अब जब कॉलेज और यूनी आए तो पता चला कि भाई वैलेंटाइंस डे बनाना है या अलकायदा डे। कैंपस में नहीं होना चाहिए, बाकी खुली छूट है। इसी वजह से तो इकरा यूनिवर्सिटी नंबर वन है और ओयो रूम्स का तो बॉयज को पता ही होगा। यहाँ हमारा वैलेंटाइंस डे नहीं मना कितने अरसे से और लोग वैलेंटाइंस वीक मना रहे हैं। जरा नजर डालना इस वीक पे। सात फेब को रोज डे। अच्छा वैसे मेरे हिसाब से ये दिन लौंडों का फेवरेट डे होना चाहिए। जब बंदी बोले रोज डे तो हम बोले ओके। 8 फेब को प्रपोज डे। अबे जब 7 को रोज दे दिया था तो जब ही प्रपोज कर देना था ना, एक दिन का वेट क्यों करा? अच्छा चलो 8 को बंदी मान गई और हाँ बोल दिया। अब आगे 9 फेब को चॉकलेट डे। मतलब ठीक है, ये समझ में आता है कि रोज दिया, एक दिन इंतजार किया, फिर प्रपोज किया, बंदी मान भी गई, तो अब अगले दिन कुछ मीठा हो जाए। 10 फेब को है टेडी डे। मतलब देख रहे हो बंदी की डिमांड सब बढ़ती ही जा रही हैं। पहले रोज लिया, फिर चॉकलेट ली, अब टेडी चाहिए। लौंडों के पास खुद की खर्ची के पैसे नहीं होते। पूरी जिंदगी फीस में अब्बा के पैसे मार मार के जमा किए और अब जाके बंदी को उसके कद से भी बड़ा टेडी दिला रहे हैं। अबे डरो, अपने बाप से नहीं तो खुदा से तो डरो। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 11 फेब को आता है प्रॉमिस डे। अच्छा मेरी बात सुनो, इतना सब देने के बाद अब प्रॉमिस क्यों हो रहा है? अगर प्रॉमिस मानने वाला ना हुआ तो? अगर बंदी ने कह दिया प्रॉमिस करो मेरे लिए चांद तोड़ के लाओगे तो तुम प्रॉमिस कर लोगे? कोई चमन ही करेगा। और नहीं किया तो बंदी ने छोड़ के चले जाना है। जो इतनी मेहनत तू 4 दिन से कर रहा है ना, वो सब बर्बाद। 12 फेब को आता है हग डे। अब मुझे नहीं पता कि पूरे 24 घंटे सिर्फ हग ही होता है या फिर कुछ और भी। आई हाईली डाउट दैट। सिर्फ हग से काम चलाने वाले लोग कम ही हैं इस दुनिया में, मगर जब इतनी मेहनत करी है तो इतना तो बनता ही है। 13 फेब को आती है द रियल डील, किस डे। मतलब इतनी मेहनत की है, प्रॉमिस भी मान लिया, अब बारी आई है मेहनत का फल लेने की। ठीक है, गुड है, अब आगे पीछे देख लेना, कोई देख तो नहीं रहा, वरना हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। 14 फेब को आता है फाइनली वैलेंटाइंस डे। पिछले एक हफ्ते में जो जो बेगैरतियां की हैं, क्या वो पूरी नहीं पड़ी? अब रह क्या गया है वैलेंटाइंस डे पे करने को? बाकी वैलेंटाइंस डे पे पार्क्स पे तो अलग ही रौनक होती है। मतलब बंदा खुली हवा लेने जाए तो प्रीमियम कंटेंट विदाउट साइन अप चल रहा होता है हर जगह। अरे वाह भाई, मतलब हमारा भी दिल है यार, इतनी हवस है तो शादी कर लो वरना होटल मिल जाएगा सस्ते में, डीएम करो। अब वैलेंटाइंस तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है पर हमारे पास ये हराम है। अनऑफिशियल बात है, पर हमारी आधी से ज्यादा आवाम को करना वही होता है जो मना हो या कंट्रोल। वैसे सच्ची में वैलेंटाइन में कुछ नहीं रखा यार, पढ़ाई करो, अम्मा अब्बा का नाम रोशन करो और फीमेल व्यूअर हो तो आप क्या कर रही हो यार? डीएमवीएम आओ, बैठ के चाय पीते हैं। चलो भाई अब टाइम होने वाला है, हमें भी निकलना है। अबे सुना है लियारी में होटल सस्ते हैं, आजा बुकिंग बंद हो जाएगी। अरे रुक रुक रुक, हैकर बॉयज आउट।